Welcome everyone. In this video, we will discuss about class 12 history and theme 3 we are going to start today, that is kinship, caste and class. So, देखिए अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था वेरियस सोसाइटीज के बारे में, वेरियस उस टाइम जो किंगडम आए थे उनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था. इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा किनशिप और कास्ट और क्लास. तो ये सेम टाइमलाइन में पढ़ेंगे. अर्ली सोसाइटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम सेम जो हमारा 600 BCE से लेके 600 CE तक का टाइम ही इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. सो ओके, लेट्स स्टार्ट, करते हैं इसको स्टार्ट हम. देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी सो दैट देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. देखिए हमने देखा था कि 600 BCE से लेके 600 CE तक काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे हमारी इंडिया के अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें. ये चेंजेस कुछ ऐसे थे जो सोसाइटी के अंदर भी कुछ चेंज आ रहे थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्राफ्ट पर्सन की लाइफ को चेंज कर रहे थे, प्लस हमारे पास कुछ विशेष सोशल ग्रुप्स हमारे पास आ रहे थे. हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस. देखिए हिस्टोरियंस मोस्टली क्या करते हैं, जो टेक्स्ट रिटन होते हैं हमारे पास उनका यूज करके इन प्रोसेस को समझते हैं. कुछ टेक्स्ट क्या होते हैं जो सोशल बिहेवियर के बारे में बताते हैं, कुछ बताते हैं हमें सोशल सिचुएशन के बारे में कि उस टाइम पर किस टाइप का प्रैक्टिस चल रहा था, किस चीज की मींस क्या सिचुएशन थी सोसाइटी में, इन सब के बारे में पता लगता है हमें. सो देखिए हम क्या करते हैं, वी कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर हुम. तो इन चीजों के अंदर हम टेक्स्टुअल में क्या याद रखते हैं कि क्या कंपोज हुआ, किसके लिए हुआ, किसने किया. सो हमें उसके अंदर लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है, कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, प्लस में हमें क्या यूज करना पड़ता है कि टेक्स्ट अलो अस टू पीस टुगेदर. देखिए जो टेक्स्ट हमें रिटन दिखते हैं, जो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं, उनसे हम पीस बाय पीस हिस्ट्री को जोड़ सकते हैं इजीली, ठीक है, बिकॉज उनके अंदर डेट्स मिलेगी, हमें नाम मिलेंगे, तो उनसे हम चीजों को जोड़कर पता लगा सकते हैं कि यस ये हम इस प्रकार से जो हमारी सोसाइटी थी. जैसे हम फोकस करेंगे महाभारत के ऊपर. महाभारत में प्रेजेंट डे देखिए 100,000 verses है, ओके 100,000 verses है विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज. के अंदर काफी सामाजिक कैटेगरीज और सिचुएशन दिखाई गई है. और यहाँ से देखिए एक रिचेस्ट टेक्स्ट है हमारे लिए पढ़ने के लिए और लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था. यानी अगर हम बात करें तो नियरली 500 BCE के टाइम पर ये बनाया गया था. ओके एंड सम ऑफ द स्टोरीज जो इसके अंदर कहानियाँ हैं वो कुछ टाइम पहले भी बोली जाती थी, सुनाई जाती थी. और इसके अंदर बेसिकली दो कजन्स थे, लड़ाई करने वाले दो कजन्स के बीच में लड़ाई दिखाई गई है. एंड इट कंसर्न्स द सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. तो इसके अंदर कुछ बिहेवियर भी बताया गया है, जैसे इसके अंदर भगवत गीता की बात करें और है, तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे थीम 3 का. तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. तो महाभारत का एडिशन देखते हैं जो क्रिटिकल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसको, ये प्रोजेक्ट लगा था 1919 में, जिसके लीडर थे संस्कृत विशेषज्ञ V.S. सुक्तांकर. तो V.S. सुक्तांकर जी ये इसका लीडरशिप रखते हैं महाभारत का जो ये बनाने का. अ टीम कंप्राइजिंग, इसके अंदर लगभग डजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे जो इस टास्क को स्टार्ट करते हैं कि भाई हम इसका एडिशन स्टार्ट करेंगे, महाभारत का हमारा जो एडिशन है उसको लिखित रूप एक देंगे. ओके तो ये जो नाजुक जो ये काम है ये शुरू होता है. इसके बाद क्या होता है, देखिए व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन ऑल. इसके अंदर बेसिकली क्या था, इसका काम ये था कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जितनी भी हैं उनको कलेक्ट करेंगे, जो वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट में लिखी गई है उन सबको हम कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से हम उनको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उनका एक कंबाइंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है. अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे वर्सेस वो सिलेक्ट करते हैं जो कॉमन वर्जन में मिलते हैं पब्लिश, इनको वेरियस वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं. लगभग उनके अंदर 30,000 pages होते हैं. इस प्रोजेक्ट को लगभग 47 years लग जाते हैं कंप्लीट होने में. लेकिन यहाँ पर दो चीज साफ थी, देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी. बहुत सारे कुछ कॉमन एलिमेंट थे, संस्कृत वर्जन था जो स्टोरी का, संस्कृत वर्जन में
एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, पूरे सबकॉन्टिनेंट में जो संस्कृत वर्जन्स मिले हैं उनमें स्टोरी बेसिकली सेम थी, कश्मीर में हो चाहे नेपाल में मिले हो चाहे केरल तमिलनाडु कहीं भी मिले हो। ऑल्सो एविडेंट वर एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस इन द वेज इन विच द टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी, और वेरियस तरीकों से जो ये टेक्स्ट ट्रांसमिट हुआ है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ये जो वेरिएशन है, जो बदलाव हुए इसके अंदर, वो फुटनोट्स में हमें लिखे मिलते हैं, अपेंडिसेस में भी दिखते हैं मेन टेक्स्ट के। टेकन टुगेदर हमें लगभग देखिए मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस। इन 13,000 पेजेस में से लगभग हाफ इन वेरिएशंस के बारे में ही बताता है। इन अ सेंस दीज वेरिएशंस आर रिफ्लेक्सिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड अर्ली सोशल हिस्ट्रीज थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रीसाइलेंट लोकल आइडियाज। सो बेसिकली हमारी अर्ली हिस्ट्री को बनाता है वेरियस डायलॉग्स के थ्रू, वेरियस चीजों के थ्रू। Our understanding of this process is derived primarily from the text. देखिए हमारा जो ये अर्ली सोसाइटी को पढ़ने का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली टेक्स्ट जो रिटन है संस्कृत लैंग्वेज में ब्राह्मण्स के द्वारा जो लिखे गए हैं उनसे ये आता है हमारा कि भी यस ऐसे होता होगा उस टाइम पर। When issues of social history were explored, पहली बार जब सामाजिक हिस्ट्री को पढ़ा गया, एक्सप्लोर किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, they tended to take this text at face value, believing that everything that was laid down in this text was actually practiced. बिकॉज इनका ये मानना था कि जो भी इसके अंदर रिटन डाउन है उसको बेसिकली ये प्रैक्टिस में लाते होंगे अर्ली सोसाइटी के लोग हमारे। जैसे स्कॉलर्स ने जब स्टडी करना शुरू किया, उन्होंने पाली लैंग्वेज के, प्राकृत लैंग्वेज के, तमिल लैंग्वेज के टेक्स्ट देखे, इसके अंदर नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटेटिव, दे वर ऑल्सो क्वेश्चन्ड एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड। देखिए इन स्टडीज में बताया गया है कि आइडिया जो संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया था वो अथॉरिटी में था, लेकिन इनको क्वेश्चनिंग किया जाता था और इनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट, इसको दिमाग में रखना इसलिए जरूरी है, इससे हमें पता चलेगा कि हिस्टोरियंस कैसे हमारा समाज यहाँ पर पीस बाय पीस जोड़ते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, देखिए क्या है, किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज और वेरियस रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए देखिए किनशिप बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड रिलेशन होता है उसको हम किनशिप बोलते हैं। तो परिवार के बारे में कैसे फाइंड आउट किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, देखिए हम फैमिली लाइफ को ग्रांटेड तौर पर लेते हैं, हाउ एवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल, देखिए लेकिन सभी परिवार आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ा बहुत वेरी जरूर करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स में, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, ये एक्टिविटीज के हिसाब से इनका सब बदलाव देखने को मिलता है। Often people belonging to the same family share food. देखिए जो same family के लोग होते हैं वो लगभग food, other resources, life, work, rituals सब कुछ share करते हैं। और देखिए usually part of ये बहुत बड़े network के part होते हैं relatives, और इसको हम kinfolk के तौर पर बोलते हैं। देखिए while familial ties are often regarded as natural, family की जो ties होती हैं उनको हम natural ही मान के चलते हैं, naturally हम इस family के member हैं, और based on blood they are defined in many different ways, और भी तरीके हैं define करने के। जैसे कुछ सोसाइटी क्या करती है, कजन्स को डिफाइन करती है ब्लड रिलेशंस के तौर पे और अदर्स नहीं करती इस हिसाब से, ठीक है, अदर्स उनको कजन्स ही मान के चलती है, मीन्स ब्लड रिलेशन में नहीं जोड़ती। लेकिन अर्ली हिस्ट्रीज की बात करें तो हिस्टोरियंस कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, जो एलीट फैमिलीज की अगर हम बात करें उनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत ही ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एलीट सोसाइटी के बारे में, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बारे में पता लगाना थोड़ा टफ था, बिकॉज उनका एटीट्यूड क्या था फैमिली के प्रति, उनका किनशिप के प्रति क्या एटीट्यूड था, बिकॉज दे आर प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज लोगों की थिंकिंग से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि उस टाइम पे माहौल क्या था। द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी, देखिए पेट्रिलिनी क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये टर्म है पेट्रिलिनी, इट इज द ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन। देखिए कई जगह पर पेट्रिलिनी को करते हैं कि फादर से सन, फिर उसके ये हो जाएगा फिर ग्रैंडसन, इस प्रकार से हम लाइनेज बनाते हैं हमारी फैमिली की। एक होता है मैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी क्या होता है, मदर से जो डिसेंडेंट को जोड़ते हैं, ठीक है, काफ़ी यूज़ किया जाता है ये भी, ऐसी बात नहीं है। देखिए महाभारत की अगर हम बात करते हैं, एक स्टोरी है, इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर जमीन के ऊपर ही लड़ाई थी और पावर, दो कजन्स के बीच में लड़ाई था उस जमीन के ऊपर, एक थे कौरव एक थे पांडवाज, हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली, ये एक ही रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, इज दैट क्लियर। तो आगे देखिए अलाइन इज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास, ये वन ऑफ द जनपदास थे, चैप्टर टू में हमने जो जनपदास पढ़े थे उसके अंदर कुरु प्रदेश था एक, तो उनमें जनपदास में से एक था ये। अल्टीमेटली क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है जिसके अंदर पांडवास जीत जाते हैं,
आफ्टर दैट क्या होता है, पैट्री लीनियर सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। इसके बाद ये देखिए फादर के हिसाब से ये पैट्री लीनी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सक्सेशन को कि भाई वाइल पैट्रिलिनी हैज एग्जिस्टेड, पहले भी था, ऐसी बात नहीं है महाभारत से पहले भी नहीं था पैट्रिलिनी, पहले भी था बट ये वैल्यूएबल था, इसको रीइंफोर्स किया जाता है। देखिए अंडर पैट्रिलिनी सर्व्स कुड क्लेम द रिसोर्स ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड। देखिए पैट्रिलिनी में क्या होता है कि फादर की डेथ के बाद उनके बेटे प्रोक्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे पिताजी का ये थ्रोन रिसोर्स ये सब मेरा है, ठीक है, पैट्रिलिनी में ये होता है। तो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज की अगर हम बात करें 6th century BCE से हम स्टार्ट करते हैं, क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम, ये पैट्रिलिनी का सिस्टम स्टार्ट होता है कि भाई मेरे पिताजी का ये थ्रोन था तो मैं अब राजा बनूंगा। तो महाभारत में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन डिफर करती है किंगडम बाय किंगडम, ठीक है, किंग्स बाय किंग्स, ये थोड़ा बहुत डिफर करता है। समटाइम्स देयर वर नो सन्स, कई बार क्या होता था कोई सन नहीं होता था, तब क्या होता था सिचुएशन, देखिए ये आपके महाजनपद दास का यहाँ पर मैप है, उस सिचुएशन में क्या करते थे, उसका ब्रदर वहां पर उस किंगडम को ले लेता था वो किनशिप के तौर पे, ठीक है, ब्लड रिलेशन के तौर पे क्या करता था वो प्रोक्लेम कर लेता था कि आई एम द किंग। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में क्या होता था कि वीमेन भी क्या बन जाती थी, पावरफुल और वहां पर क्वीन बन जाती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता, यानी 4th century की बात करें हम, 4th century में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ था, ये वटकटाज के साथ इनका विवाह हुआ था सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पर इसके हाथ में भी क्या होती है पावर, तो ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होते थे। लेकिन ये जो पैट्रिलिनी का तरीका है ये ज़्यादा यूनिक नहीं है फैमिलीज के लिए, इट इज़ एविडेंट, ये मंत्र में भी लिखा गया है, ऋग्वेद के मंत्रों में भी आती है ये बात। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाई वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। ऐसा मान सकते हैं हम कि जो वेल्दी लोग थे ये इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि पिताजी से हम सन को चीज़ें देंगे, ठीक है, और कुछ जो हाईली स्टेटस के खुद को मानते थे जैसे ब्राह्मण्स, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इज, जैसे आपके पास की किनफोक आपस में ब्लड रिलेशन वाले लोग क्यों लड़ाई करते थे, जैसे आदि प्रवान जो संस्कृत महाभारत का पहला अध्याय है, आदि प्रवान जिसको बोलते हैं, जिसमें बताया गया कि कौरव और पांडवाज के बीच में लड़ाई क्यों हुई। जैसा कि कौरवाज धृतराष्ट्र के सन थे ये आपने कहानी पढ़ रखी है, पांडवाज उनके कजन्स थे और धृतराष्ट्र बेसिकली ब्लाइंड था, तो उसके जो यंग ब्रदर होते पांडु उनको थ्रोन चला जाता है हस्तिनापुर का। लेकिन बेसिकली क्या है, पांडु प्रीमैच्योर डेथ में चले जाते हैं तो धृतराष्ट्र दोबारा किंग बनते हैं, बट जैसा कि पांडु राजा थे तो उनके बेटे जब बड़े होते हैं तो वो आग्रह करते हैं कि यस दिस किंगडम इज आवर्स, लेकिन उधर से कौरवाज जेलस हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, दुर्योधन वन ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ कौरवाज, ये आपको पता है, और ये कहानी आपको पता है बेसिकली, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम चलते हैं रूल्स ऑफ मैरिज, अर्ली सोसाइटी में मैरिज कैसे होती थी। देखिए बेसिकली चार टाइप की मैरिज होती है, ठीक है, चार टाइप की मैरिज आज तक देखने को मिली है। वन इज एंडोगैमी, एंडोगैमी मीन्स मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी किन ग्रुप्स, कास्ट, बेसिकली किसी एक कास्ट में मैरिज करना, किसी एक किनशिप में, ब्लड रिलेशन में भी मैरिज हो जाता है किसी किसी जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही मैरिज कर देना, इसको बोलते हैं हम एंडोगैमी, एंडो मतलब इनर, ठीक है, एंडोगैमी तो अंदर ही, वहीं बेसिकली उस इंटीरियर में ही शादी कर देना। नेक्स्ट इज एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मीन्स उस यूनिट से बाहर, यानी एक तरफ एक कास्ट के लोग हैं एक तरफ दूसरी कास्ट के लोग हैं, दोनों के बीच में मैरिज हो जाए तो हम इसको एक्सोगैमी बोलते हैं। देखिए सभी मैरिजेस एक्सेप्टेबल है ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ये 4 types ऑफ मैरिज हमें देखने को मिली है, बट यस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंडोगैमी ये मान लीजिए ज़्यादा प्रचलन में है। पॉलीगैमी क्या होती है, जिसके पास बहुत सारी वाइफ हो एक एक मैन के पास, उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। एंड पॉलीएंट्री क्या होता है, एक भी मैन के पास सेवरल हस्बैंड, जैसे हम बात करें महाभारत में, ठीक है, महाभारत में आपको पता है 5 husbands थे। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ मैरिज क्या थे। वाइल सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनीज, देखिए सन बहुत जरूरी थे पैट्रिलिनी को आगे चलाने के लिए, डॉटर्स इसलिए जरूरी थी एक डिफरेंट व्यू पॉइंट के हिसाब से, वो भी जरूरी थी, दे हैड नो क्लेम्स टू रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड, घर में देखिए उनका इतना हक नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल, तो उनके किन से बाहर शादी करना उनका बहुत जरूरी माना जाता था। इससे क्या होता था, बेसिकली एक्सोगैमी उस टाइम पर प्रचलन में था, मींस मैरिंग आउटसाइड, उनको बाहर मैरिज करवाया जाता था, भाई क्या होता था उनको बताया जाता था कि उनकी लाइफ जो यंग गर्ल और वीमेन की लाइफ है वो फैमिलीज में बिलोंग करती है,
उनका जो स्टेटस था वो केयरफुली रेगुलेट किया जाता था सो दैट वो राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ उसका मैरिज हो सके. दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन मैरिज वॉज इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी. तो देखिए ये ड्यूटी बन गया था कि भाई राइट टाइम पर और राइट पर्सन के साथ लड़की की मैरिज हो, ये एक रूल था. तो इसलिए कन्यादान नाम की एक बात आती है जिसका मतलब है बेसिकली गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, की डॉटर को गिफ्ट के तौर पर दिया तो उसको कन्यादान बोल रहे हैं. तो ये एक यहाँ पर शब्द आता है उस टाइम पर. विद इन द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, चैप्टर टू में आपने देखा नए टाउन्स आते हैं हमारे, ठीक है. नए टाउन्स के आते आते क्या होता है कि पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मीट टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. बाहर से और जो वहाँ के लोकल लोग आपस में मिलते हैं अर्बन शहरों में. दे हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स. अब जब ये लोग मिलते हैं तो आपस में अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है, ये गलत है, ये सही है. तो आप ये चैप्टर फोर में पढ़ने वाले हैं बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में. बट आप सोच सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं कि जैसे जैसे शहर बन रहे थे आपस में लोगों की बातें शेयर हो रही थी एंड कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स बिलीव्स के बारे में बात हो रही थी, क्वेश्चनिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है. अभी देखिए अब ये चैलेंज होता है ब्राह्मण्स के लिए जो अपने आप को हाई स्टेटस का मानते थे बिल्कुल, ठीक है, जो अपने आप को सबसे बड़ा महान मानते थे, उनके लिए चैलेंज हो जाता है शुरू कि भाई अब हम क्या करें. तो वो क्या करते हैं, कोड बना देते हैं कि समाज में ऐसे रहना है आपको, ठीक है, वो उनके लिए कोड बना देते हैं. ये होता है ब्राह्मण्स के द्वारा तो फॉलो किया जाएगा बल्कि रेस्ट ऑफ सोसाइटी भी उसको फॉलो करेगी. बेसिकली क्या होता है, 500 BCE में कुछ कानून बनाए जाते हैं, सोशल नॉर्म्स संस्कृत लैंग्वेज में, जिनको बोलते हैं धर्म सूत्रांश और बेसिकली धर्म शास्त्र. भाई ये आपका धर्म है, अगर आप ये करेंगे तो आपका धर्म खराब हो जाएगा, इस प्रकार की बातें आने लग जाती हैं. ओके, तो बेसिकली देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्राह्मण्स अपना जब उनको लगता कि हमें चैलेंज हो रहा है तो अपना वो रूल्स बदल देते थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, ठीक है. इन धर्म शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एक मनुस्मृति जो लगभग 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में कंपाइल अप की गई थी. कंपाइल अप मतलब इनके सभी वर्सेस वगैरह टेक्स्ट को कलेक्ट करना और उसको एक में जोड़ना. व्हाइल द ब्राह्मण ऑथर्स ऑफ दिस टेक्स्ट क्लेम्ड देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी. देखिए ब्राह्मण्स अगर ये लिख देते हैं तो इनका मानना था कि हमारा जो लिखा हुआ है ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब पूरे यूनिवर्स में यही वैलिड है बस. सो उनका कहना था कि सभी को ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. इट इज लाइकली दैट रियल सोसाइटल रिलेशन वर मोर कॉम्प्लिकेटेड. Besides giving the regional diversity within the subcontinent and difficulties of communication, the influence of Brahmins was by no means all pervasive. देखिएगा, इनका कहना है कि regional diversity थी subcontinent के अंदर and difficulties communication में difficulty होती थी, तो Brahmins का जो influence था वो मान लीजिए ज्यादा ये फैलाने वाला नहीं था उस बातों को, ये ज्यादा नहीं फैलाते थे लोगों की बातों को बल्कि अपना व्यू पॉइंट ही रखते रहते थे. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में कि भाई एट फॉर्म्स की मैरिज ये बताते हैं. देखिए अभी तक हम फोर फॉर्म्स पढ़ रहे थे लेकिन एट फॉर्म आती है यहाँ पर. पहली चार जो शादियां हैं जो हमने ऊपर पढ़ी वो तो मानी जाती है गुड, वेरी गुड, ठीक है. लेकिन बाकी की जो है उनको कंडेम किया जाता है कि सोसाइटी में इस प्रकार की मैरिज नहीं होनी चाहिए. ओके, इट इज पॉसिबल दैट दीज वर द प्रैक्टिसेस Practice by those who did not accept Brahminical norms. तो इन चार मैरिजेस को मान सकते हैं वो फॉलो करते थे जो ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं करते थे, बिकॉज वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो चलिए हम बाकी फोर टाइप्स की मैरिज भी डिस्कस करते हैं. देखिए मनुस्मृति में हम फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टाइप की मैरिज देखते हैं. फर्स्ट है कि गिफ्ट करना डॉटर का, जो बेसिकली ठीक माना जाता है, ज्यूल्स वगैरह देना, एक लर्न मैन के साथ उसकी शादी कर देना, तो एक ये प्रॉपर वे माना जाता है, गुड मैरिज मानी जाती है. लेकिन फोर्थ देखिए, गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड ऑफ द कपल विद द टेक्स्ट. भाई एक टेक्स्ट लिख के मैरिज करना कि भाई दूल्हे को, ये मान लीजिए ब्राइड ग्रूम को एक ओनर के साथ दिखाना, उस टेक्स्ट को बोलना, फिर उसको मैरिज करना. फिफ्थ क्या है कि भाई मैडम के तौर पर ब्राइड ग्रूम को रिसीव करना धन वगैरह देकर इस प्रकार से, तो इसको प्रॉपर नहीं मानते हैं. सिक्स्थ क्या है, वॉलंटरी यूनियन ऑफ द मैडम एंड हर लवर. तो ये देखिए बेसिकली इन टाइप की मैरिजेस को अच्छा नहीं मानते, जो नीचे की दो पढ़ी है हमने, लास्ट की फोर जो है. द गोत्र ऑफ वुमेन, देखिए वुमेन का गोत्र क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा. वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, देखिए 1000 BCE से यानी काफी पुराने टाइम से वॉज टू क्लासीफाई, वो क्लासीफाई करते थे लोगों को, ब्राह्मण सी बेसिकली अपना ये काम कर रहे थे उनके गोत्र के हिसाब से. Each gotra was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra were regarded as descendants. ठीक है,
देखिए क्या बोलना है इनका, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि हर गोत्र का इन्होंने वैदिक पैगंबर होते थे, जो वेदों के पैगंबर होते थे उनसे उन्होंने एक गोत्र बना दिया, ठीक है, कि भाई ये उनके वंशज हैं, और जो उस गोत्र से बिलोंग करते थे लोग उनको बोलते हैं कि आप उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो बेसिकली जरूरी नहीं है ऐसी बात सच हो, बट यस दे हैव रिटन सो वी विल स्टडी। वो क्या करते थे कि वेदों के जो पैगंबर होते थे, जो वेदों का प्रचार करते थे, उनके डिसेंडेंट बना दिए। जैसे किसी का सरनेम कुछ है किसी का, तो सबको अपना अपना उनका गोत्र दे दिया। टू रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। देखिए दो रूल्स थे, वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर। देखिए वीमेन को अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा मैरिज के बाद, ठीक है। एंड दूसरा, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, मतलब एक गोत्र के इंसान मैरी नहीं कर सकते। तो ये देखिए ब्राह्मण्स ने इस चीज को बनाया है, ऐसी बात नहीं है कि ये, लेकिन है काफी वर्षों से चल रही है। तो यस वी फॉलो, वी ऑल्सो फॉलो दिस एंड वी शुड फॉलो ऑल्सो, वी शुड ऑल्सो फॉलो दिस बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड, देखिए एक तरीका ये है पता लगाने का कि क्या इसको फॉलो करते थे। तो हम नेम वगैरह देखते हैं मैन और वीमेन के, कि जो गोत्र के नेम से आ जाते थे। दीज नेम्स वर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग लाइनें, सच एज जैसे सतवाहनास की बात करें जो डेक्कन में राज करते थे, आपको पता है 2nd century BCE से लेकर 2nd century CE तक सतवाहनास का राज था। उनके नाम अब इंस्क्रिप्शन में देखें तो उनकी फैमिली टाइज, उनकी मैरिज वगैरह को हम पता लगा सकते हैं कि किसका मैरिज किसके साथ हुआ, क्या नाम था। तो यहाँ पर देखिए सतवाहनास किंग का अगर देखें तो उनके नाम देखिए क्या नाम है, एक का नाम है राजा गौतमीपुत्र श्री सतकानी। तो आप ध्यान से देखिए गौतमीपुत्र, यानी इनका मैट्रिलिनी सिस्टम था, ठीक है, मदर के नाम से ही अपना नाम रखते थे। ओके देखिए सन ऑफ गौतमी, गौतमी वशिष्ठ, ये फेमिनिन नेम है यानी मदर के नेम हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैट्रिलिनी कुछ किंगडम्स के द्वारा फॉलो अप किया जाता था, बहुत ही सही बात है, बिल्कुल टेक्स्ट मिले इनके लिए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं मेट्रोनिमिक्स इन द उपनिषद, यानी द ब्रीहद्र नायक उपनिषद, एक उपनिषद है जो बहुत ही चैप्टर फोर में आप पढ़ने वाले इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसके अंदर सक्सेसिव जनरेशन से टीचर्स और स्टूडेंट के बारे में भी लिखा गया है, जो मेट्रोनॉमिक्स के तौर पर डेजिग्नेट किए गए हैं, बताए गए हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में हम चैप्टर फोर में पढ़ने वाले हैं, बट यस आगे चलते हैं। देखिए कुछ सतवाहनास रूलर थे जो पॉलीजीनियस भी थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जिनके पास एक से ज्यादा वाइफ थी। एन एग्जामिनेशन ऑफ नेम्स, नेम अगर ध्यान से देखें, हु मैरिड सतवाहना रूलर्स इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द गोत्रास, सच एज गौतम वशिष्ठ। देखिए ये गोत्र होते थे, ठीक है, गौतम ये गोत्र होता था, इन्हीं का नाम रख लेते थे, अपना नाम ही गोत्र के तौर पर रख लेते थे, देयर फादर्स गोत्र। They evidently retained these names instead of adopting name derived from their husband's gotra. भाई husband के गोत्र के बजाय वो अपने father के name से वो अपना नाम रख लेते थे गोत्र से, तो इससे easy रहता था। What is also apparent is that some of the women belong to the same gotra. ऐसी बात नहीं है, women same gotra से भी belong करती थी, as is obvious, this ran counter to the, ये definitely Brahmin जो लोगों ने बताया था उसके against ये बात थी। In fact, it exemplified an alternative practice. लेकिन जाहिर सी बात है सतवाहनास ने एक एग्जांपल सेट कर दिया यहाँ पर हिस्ट्री में कि सेम गोत्र में भी मैरिज हो सकता है, सेम जो ये गोत्र की महिलाएं भी मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए डेट ऑफ एंडोगैमी और मैरिज, जो ये ब्राह्मण्स बताते थे कि एंडोगैमी वगैरह ये नहीं करेंगे, तो ये साउथ इंडिया में प्रेवेलेंट थी, ऐसी बात नहीं है। सच मैरिज इज अमंग किन फोक्स कजन्स एंड शोड अ क्लोज नीट, कई बार क्या होता था कजन्स में भी इसका मैरिज कर देते थे, ये किनशिप हो जाता था, सो दैट क्लोज रिलेशन रहे अच्छे से, बिकॉज उस टाइम किंगडम होते थे, मेन बात क्या है उस टाइम किंगडम होते थे, तो लड़ाइयाँ रोकने के लिए चीज़ें की जाती थी, बट आज के टाइम पे किंगडम नहीं है, इसलिए जो प्रॉपर वे है उसी को फॉलो किया जाता है। देखिए वी हैव सीन सतवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, मेट्रोनॉमिक्स के तौर पर, यानी नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, मदर से जो नाम आया था उसके द्वारा सतवाहनास को आइडेंटिफाई किया जाता था, हमने देख लिया अभी ऊपर गौतमी पुत्र करके लिखा हुआ है। बट किसी कंक्लूजन पर आने से पहले हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज इट माइट रेज एनीबडी, ठीक है, हम किसी के बारे में विदाउट एनी प्रूफ ऐसे नहीं बोल सकते। इन केस ऑफ सतवाहनास वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वाज पैट्रिलिनियर, बिकॉज मेन बात है कि फादर के तौर पर इनका लाइनेज था, ठीक है, राजा ये फादर के बाद ये बनते थे बेटे, लेकिन नाम इनके ऐसे पैट्रिलिनियर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है।
तो ये ध्यान से कंक्लूजन हमें इसका निकालना पड़ेगा। आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक जो हमारे चैप्टर का वो है सोशल डिफरेंसेस। देखिए सामाजिक डिफरेंस थे उस टाइम पर, कैसे डिफरेंस थे सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, कास्ट के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन था और कास्ट के बाहर भी। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट, देखिए कास्ट वर्ड से आप सभी फेमिलियर होंगे डेफिनेटली, जिसका मतलब है हायरार्कियल ऑर्डर। ठीक है, हायरार्की के हिसाब से एक ऑर्डर बना दिया। ये ऑर्डर देखिए धर्मशास्त्र में बनाया गया था, ब्राह्मण्स ने इसको बनाया था। देखिए हर चीज ब्राह्मण्स ने ही बनाई थी, चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, उनका जो भी वो अपना व्यू पॉइंट रखते उसको लिख देते थे बुक्स में। ठीक है, फिर समाज उसको फॉलो करे ना करे सब कुछ हमने एग्जांपल्स में अभी देख लिया, कुछ लोग फॉलो करते थे कुछ नहीं करते थे उस चीज को। देखिए उनका क्लेम था कि भी ब्राह्मण्स वो फर्स्ट आएंगे रैंक पर, ठीक है, बिकॉज वो डिवाइन थे, वो दिव्य लोग थे, ऐसा उनका मानना था। और बिल्कुल नीचे शूद्रास यानी अनटचेबल्स को रखते थे सोशल ऑर्डर पर। तो राइट ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखिए एक ग्रुप बनता है राइट ऑक्यूपेशन के हिसाब से। धर्मशास्त्र आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, फोर कैटेगरीज और वन। देखिए धर्मशास्त्र में लिखा गया कि कोई किस वर्ण से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्यूपेशन कैसा होगा, ठीक है, उसका काम क्या होगा, क्या वो करेगा। ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी, देखिए मेन बात क्या है, ब्राह्मण्स का सपोज था कि हम तो स्टडी करेंगे और टीच करेंगे वेदास को, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाएंगे और रिसीव करेंगे गिफ्ट और गिफ्ट भी देंगे। क्षत्रियस का रोल क्या था कि वॉरफेयर में एंगेज होंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, जस्टिस दिलवाएंगे, स्टडी करेंगे वेदास को, सेक्रीफाइस परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट देंगे। ठीक है, ये गिफ्ट नहीं ले सकते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड कैटेगरी जो है वैश्यास, बेसिकली उनका काम था कि एग्रीकल्चर में, पाश्चलिज्म में, ट्रेड में ये काम करेंगे। एंड लास्ट इज शूद्रास दैट आर नोन एज अनटचेबल्स, उनका एक ही काम था कि सर्व कीजिए आप ऊपर वाले तीन ऑर्डर्स को बस। तो ये वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम आपको पता है काम के हिसाब से ये वर्ण सिस्टम था पहला। ब्राह्मण्स इवॉल्व टू और थ्री स्ट्रेटजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स, ये ब्राह्मण क्या करते हैं, अब उन्होंने ये चीजें बना तो दी, अब दो तीन ये स्ट्रेटजी लगाते हैं सो दैट इन चीजों को फॉलो किया जाए। पहला कि भाई वर्ण ऑर्डर को ये बोलते कि दिव्य है ये तो भगवान का दिया हुआ है इसलिए फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड वो किंग को एडवाइस करते कि इनको आप लागू कीजिए किंगडम में, ठीक है, लागू करेंगे तो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड ये परसुएड करते थे लोगों को कि भाई जन्म के हिसाब से आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है ऐसी बात देखिए, ठीक है बिल्कुल भी, लेकिन ये उनको मनाते थे, परसुएड करते थे कि भाई आपका जन्म अगर शूद्रास में आपके बच्चे भी शूद्र होंगे, ठीक है, इनका ये एक एप्लीकेशन का तरीका था, इनकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन ये आसान नहीं था इतना, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज, महाभारत वगैरह की स्टोरीज से प्रिस्क्रिप्शंस भी बताया गया इस चीज का। जैसे बात करते हैं देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। अ डिवाइन ऑर्डर, देखिए ब्राह्मण्स ऑफन वर्स वगैरह, हिम वगैरह, अपना मंत्र वगैरह कुछ बोल देते थे ऋग्वेद से, जो बता देते कि पुरुष सुक्ता डिस्क्राइब ने सैक्रिफाइस ऑफ पुरुषा अ प्राइम प्रीमेबल मैन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग फोर सोशल कैटेगरी वर सपोज टू हैव एनिमेटेड फ्रॉम हिज बॉडी। इनका मानना था कि भाई जो मैन स्टार्टिंग में आया था उसके बॉडी में चारों हम वर्ण थे, ब्राह्मण उसके मुख थे, क्षत्रियाज उसकी भुजाएं थी, थाइज उसकी वैश्यास थी और पैर उसके शूद्रास थे। तो इस हिसाब से अपने आप इन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया इसको फॉलो करने का, सो दैट अब उसे इंसान से कंपेयर करें भाई माउथ तो ब्राह्मण हो गए तो इज्जत कीजिए इनकी, भाई रिस्पेक्ट दीजिए इनको, ये तो टॉप पर है। तो इस प्रकार से अपना आप ही ये सोशल ऑर्डर बना देते हैं। एक प्रॉपर सोशल रोल क्या था, देखिए आपने आदि प्रवाण महाभारत का जो पहला खंड है, जो पहला भाग है, उसमें पढ़ा होगा कि द्रोण आचार्य जी कुरु प्रिंसेस को सिखा रहे थे, तो उस टाइम पर एकलव्य होते हैं फॉरेस्ट में, वो अपना हंटिंग वगैरह कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक लड़के होते हैं, वो द्रोण के पास आते हैं, ठीक है, द्रोण को धर्म भी पता था लेकिन वो उसको शिष्य नहीं मानते कि भी आप हमारे शिष्य नहीं बन सकते, बिकॉज धर्म में लिखा हुआ था शूद्रास है इनको तो सेवा करना है, ये तो क्षत्रिय नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कास्ट सिस्टम की वजह से कितने लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ा। सो यस, चीजें बदलती है धीरे धीरे। नॉन क्षत्रिय किंग्स भी आए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बन सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र, देखिए जो शास्त्र है ओनली क्षत्रियस कुड बिकम किंग्स, तो शास्त्र में बताया गया ब्राह्मण से लिख दिया कि भी जो क्षत्रिय है वही सिर्फ राजा बन सकते हैं। हाउएवर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनें जाई हैं जो बिलोंग करती है नॉन क्षत्रिय कास्ट से। व्हाइल लेटर बुद्धि टेक्स्ट सजेस्ट दैट दे वर क्षत्रियस, जैसे मौर्यस की बात कर ले, मौर्यन एम्पायर की,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि क्षत्रियास थे, लेकिन ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट है वो मानते थे इनको लो ओरिजन के लोग हैं। दशुंगास और कानवास जो आए थे मौर्यास के बाद वो ब्राह्मण्स थे, तो ब्राह्मण्स भी देखिए बेसिकली नहीं बन सकते थे वैसे तो किंग शास्त्र के हिसाब से, लेकिन बने। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर देखिए बेसिकली ओपन थी सबके लिए, जो अपना सपोर्ट और रिसोर्स वगैरह कर सकता है और सिर्फ क्षत्रिय बर्थ पर ही डिपेंड नहीं करती थी। और जैसे अगर हम बात करें शाकास की, शाकास जो सेंट्रल एशिया में थे वो मलेचाचास थे। देखिए मलेचाचास अगर यहाँ लिखा होगा तो हम बताएंगे क्या होते थे। बेसिकली बारबेरियंस थे, यानी ब्राह्मण से भी आउटसाइडर्स थे, बेसिकली बाहर के लोग थे, इंडो ग्रीक टाइप के लोग थे। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अगर संस्कृत की बात करें सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पर लिखी गई थी उसका नाम है, जैसे वहां पर लिखा गया था कि रुद्रदमन, रुद्रदमन नाम का जो शाका रूलर था सेकेंड सेंचुरी सीई की बात कर रहे हैं, उसने सुदर्शन लेक बनवाया। यानी बात कर रहे हैं हम पावरफुल मलेचाचास, बारबेरियंस वर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशन, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि उनका भी संस्कृत ट्रेडिशन में मन था, ठीक है, वो भी संस्कृत ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। आगे देखिए सतवाना डायनेस्टी अगर हम बात करते हैं जो मैट्रिलिनी पर डिपेंड करते थे, गौतमीपुत्र सिरी सतकनी ये सबसे बेस्ट नॉन रूलर माने गए हैं। वो क्लेम टू बी बहुत, वो कहते थे कि मैं यूनिक ब्राह्मण हूँ, एका ब्राह्मण एंड डेस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियाज। उनका मानना था कि मैं क्षत्रियाज की प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ब्राह्मण राजा हूँ। उनका ये भी क्लेम था कि देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द फोर वर्ल्ड, उनका मानना था कि फोर वर्णास में कि भी कोई इंटर मैरिज नहीं होगी। एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इन द मैरिज अलायंस विद द किन ऑफ रुद्रदमन, और साथ में वो रुद्रदमन की कि किसी किन के साथ वो मैरिज अलायंस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लग रही है, एज यू हैव सीन द एग्जांपल, आपने देखा कास्ट का जो इंटीग्रेशन था वो चल रहा था, कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस था, बिकॉज सतवानास खुद को ब्राह्मण्स मानते थे लेकिन ब्राह्मण्स के तौर पर सिर्फ क्षत्रियस किंग बन सकते थे। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, तो दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोर फोल्ड वर्णा ऑर्डर बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद द पीपल हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। तो दो बातें आई सामने, पहली की क्षत्रिय राजा बन सकते हैं लेकिन नहीं, और बाकी लोग भी बने। दूसरी की हम फोर वर्णास को लगाएंगे अच्छे से इसको, लेकिन फिर भी वर्णा के बाहर ये मैरिज करते थे। एंड वी हैव सीन दे प्रैक्टिस एंडोगैमी भी थी, ठीक है, एंडोगैमी आपको पता है इंटरकास्ट मैरिज। एक्सोगैमिस भी थे, दोनों जो रिकमेंड किए गए थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। तो आप देख सकते हैं चल रहा था यहाँ पर, जातीज अब आती है सोशल मोबिलिटी, देखते हैं क्या था यहाँ पर। देखिए दीज कॉम्प्लेक्सिटीज वर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो चल रहा था जो हमारा कास्ट का वर्ण का, ये एक और हमें टेक्स्ट दिखता है जिसको हम बोलते हैं जाति। जो ब्राह्मण्स की थ्योरी थी जाति के लिए वो थी वर्ण के तरीके की, कि भाई बर्थ के हिसाब से आप उसी जाति में पैदा हुए हैं, ठीक है, इनका यही मानना था। इनका बस एक ही लॉजिक था कि भाई जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है आप उसी वर्ण के हैं, उसी जाति के हैं। देखिए आगे देखते हैं, हाउएवर वाइल द नंबर ऑफ, देखिए वर्ण तो सिर्फ चार थे लेकिन जो हमारी जाति थी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी चल रही थी। तो पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज निषाद और वांटेड टू असाइन अ नेम टू द ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एज द गोल्डस्मिथ, सुवर्णकार, विच डिड नॉट इजिली फिट इन टू द फोरफील्ड वर्ण। अब कुछ ऐसे लोग थे जो चार वर्ण में फिट नहीं हो रहे थे तो उनको अलग अलग नाम दे दिए, जैसे सुवर्णकार, सुनार बोल देते हैं, ठीक है भैया आप इस जाति के हो गए। तो एक जाति टाइप की चीज आ गई ब्राह्मण्स के द्वारा, ओके, और इनको ये जाति बोलने लगे धीरे धीरे, इनके नाम अलग अलग रखे और फिर धीरे धीरे जातीज बन गई। जातीज का बेसिकली कंसेप्ट क्या था, बिल्कुल इनिशियली देखिए कोई डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट नहीं था इनका, वो था कि भाई ये कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं, ये एक जैसा काम करते हैं तो इनको हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं प्रोफेशनल तौर पर, ठीक है, श्रेणीज या गिल्ड्स, बेसिकली जो यूरोप में गिल्ड्स बोलते थे तो गिल्ड्स हमारी ये जातीज होती है। बट लेकिन देखिए आज के टाइम पर जातीज का वो बना रखा है, बिल्कुल एक सोशल डिफरेंस बना रखा है। वी सेल्डम कम अक्रॉस, बिकॉज क्या होता है कुछ चीजें हम अच्छे के लिए लगाते हैं कई बार वो नहीं बनती उस प्रकार से, बट देर आर एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एक सबसे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन देखा गया 5th century CE का, जिसके अंदर मैंडासोर मध्य प्रदेश में है ये, उसके अंदर गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स थे कुछ जो गुजरात में रहते थे। देखिए कहानी सुनिए, इस स्टोन पर लिखी गई है कि मैंडासोर में मिला है
कुछ सिल्क वीवर्स थे, सिल्क का काम करने वाले, वो मेंडासुर जाते हैं वहां पर जाके उनको दशपुरा बोलने लग जाते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट दे अंडरटूक द डिफिकल्ट जर्नी अलोंग विद देयर चिल्ड्रन एंड किंग फॉक्स सो दैट दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ लोकल किंग एंड वांटेड टू सेटल इन दिस किंगडम। वहां पर जाके उनका देखिए जाति बदल दिया जाता है, बेसिकली उनको दशपुरा बोला जाता है, बिकॉज उनका मानना था कि जो लोकल राजा है वो बहुत अच्छा है, अगर वहां पर जाएंगे तो हम उनके किंगडम में सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बताती है, गिल्ड्स के बारे में बताती है। ऑल्दो मेंबरशिप वॉज बेस्ड ऑन, देखिए गिल्ड में मेंबरशिप जो ऑक्यूपेशन उसके हिसाब से डिपेंड करता है, आपको पता है इस चीज का, गिल्ड बार बार वर्ड आ रहा है हिस्ट्री में। लेकिन मेंबर सिर्फ कॉमन प्रोफेशन के साथ साथ क्या करते थे, वो कलेक्टिवली डिसाइड करते थे कि वेल्थ कितना इन्वेस्ट होगा, कितना अर्निंग होगा, क्या वो बड़े बड़े मंदिर किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे सन गॉड, ठीक है, सूर्य भगवान के लिए मंदिर बनवाए जाते थे इनके द्वारा। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए मर्चेंट का केस देखते हैं, संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन बताती है वानिक, एक वानिक नाम की टर्म है मर्चेंट्स के लिए, यानी मर्चेंट को वानिक बोला जाता था। उनका ऑक्यूपेशन वैश्यास जैसा था शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, ठीक है, वैश्यास बोलते थे। एंड धीरे धीरे अगर हम देखें कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण भी थे और मर्चेंट भी थे, तो काफी चीजें हैं यहाँ पर। देखिए आपको एंशियंट हिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगी, एक्सेप्शन कहें या फिर चेंजेस कहें या फिर जो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अलग चलते थे ये भी हम बोल सकते हैं, तो सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो देखिए आप हिस्ट्री को अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज के टाइम की सिचुएशन का भी थोड़ा आइडिया होगा। बियॉन्ड द फोर वर्णास, देखिए चार वर्ण के अलग दूर क्या था, जो डाइवर्सिटी चल रही थी सब कॉन्टिनेंट की, इसमें सिर्फ चार वर्ण बनाने से काम नहीं चलने वाला था, इस बात का आपको पता है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज पे डिपेंड नहीं करते थे, जो ब्राह्मण के आइडियाज पर डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है, उनका अपना कुछ मानना था। जो संस्कृत टेक्स्ट को फिगर करते हैं, दे वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक, इन सम इंस्टेंसेस दे इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जैसे हंटिंग करने वाले लोग, अब इनका कोई वर्ण नहीं था। ओके, जैसे हम बात करें निषाद जो हमारा एकलव्य की बात करें, उसका कोई वर्ण नहीं था उस टाइम पर। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे हमारे पास ये कास्ट सिस्टम बन गया था, इसके बाद क्या होता है, जैसे निषाद वगैरह का जो हमने देख लिया कि एकलव्य का कोई यहाँ पर अलग से वर्णास में नहीं इंक्लूड किया गया था। एंड यस अदर हु वर व्यूड विद सस्पिशन, इनको शक के तौर पर देखा जाता था, जैसे नोमैडिक पास्टलिस्ट थे जो इजीली अकोमोडेट कर नहीं पा रहे थे सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ, जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, तो उनको भी अलग वर्णास में, मीन्स वर्णास में नहीं अलग कैटेगरीज में रखा जाता, जैसे मले चचाज बोलते थे तो उनको एक नीची कास्ट के तौर पर देखा जाता था। बेसिकली द नेचर ऑफ रिलेशन इज एविडेंट इन, ये इस टाइप का रिलेशन जो महाभारत में साफ दिखता है, ठीक है, साफ ये प्रतीत होता है वहां पर। अभी आप देख सकते हैं आदि प्रमाण जो महाभारत का पहला भाग है, उसके अंदर पांडवा जंगल में जाते हैं, देवर टाइड और सो जाते हैं, वहां पर क्या होता है भीम, वो जो आपने अगर महाभारत अभी लेटेस्ट महाभारत देखी होगी, उसमें क्या होता है भीम सिर्फ जाग रहे होते हैं, वहां पर वो रख रहे होते हैं, वहां पर एक राक्षस आता है जो उनको खाने की सोचता है, बिकॉज उसको सेंट आ जाता है, पांडवास की खुशबू आ जाती है, और उनकी जो वाइफ होती है, सॉरी जो उसकी सिस्टर होती है हिदिम्बा, को कैप्चर करने के लिए भेजता है कि जाइए आप उनको पांडवास को कैप्चर कीजिए, लेकिन वो भीम के साथ फेल इन लव विद भीम एंड एक लवली मैडन बन जाती है एंड प्रपोज करती है भीम को बेसिकली, बट वो रिफ्यूज कर देता है। देखिए राक्षस आता है, भीम उसके साथ रेसलिंग वगैरह करता है, आपने महाभारत जस्ट अभी देखी होगी, और धीरे धीरे देखिए उनकी फिर मैरिज हो जाती है हिदिम्बा के साथ, और अल्टीमेटली आपने अगर देखा हो घटोत्कच, आपने देखा हो काफी बड़ा ये व्यक्ति है महाभारत के सीन में, तो ये उनका बेटा होता है बाद में, ठीक है। तो आपको साफ जाहिर दिख रहा है कि क्षत्रियास की मैरिज जो है बेसिकली कहीं पर भी हो सकती थी, वो जो कैटेगरी थी जिसका वर्ण में कोई जिक्र नहीं है उनके साथ भी मैरिज देखने को मिला है। तो महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, हमारा पूरा सोसाइटी के बारे में बताती है, बहुत चीजें हमें सीखने को मिलती है महाभारत से। आगे देखिए
देखिए ध्यान से समझिए, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ सबॉर्डिनेट और कन्फ्लिक्ट भी देखते हैं फोर वर्णास के बाहर। ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड। देखिए ब्राह्मण्स का मानना था कि कुछ लोग आउटसाइड सिस्टम के हैं, उन्होंने एक सोशल डिवाइड बना दिया जिनको अनटचेबल ये बोलने लगे कि ये लोग तो अनटचेबल है भाई, हमारे सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, उनकी कुछ एक्टिविटीज के कारण। बिकॉज ये मान लीजिए क्या सिचुएशन था कि खुद को काफी प्योर मानते थे और बाकियों को उनके हाथ का खाना भी वो नहीं लेते थे, उनको अनटचेबल ही मानते थे। इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए प्योरिटी एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो पोल्यूटिंग मानी जाती थी, जैसे कि कॉर्पसेस को हैंडल करना, डेड एनिमल्स को दफनाना वगैरह, इस टाइप के जो काम थे वो थोड़ा सा पोल्यूटिंग मानते थे इसको। जैसे कुछ टास्क थे जैसे चंडालाज वर प्लेस्ड एट वेरी बॉटम, चंडालाज को बिल्कुल बॉटम में अनटचेबल से भी नीचे रखते थे, दे टच उनका अगर टच हो जाता था वो बहुत ही पोल्यूटिंग माना जाता था जो टॉप पर खुद को मानते थे सोशल ऑर्डर में उनके द्वारा। मनुस्मृति में कुछ ड्यूटीज लिखी गई हैं चंडालाज की, इनको बताया गया कि गांव के बाहर रहना है इनको और यूटेंसिल्स वगैरह यूज नहीं करने। देखिए इनको यूटेंसिल्स वगैरह यूज नहीं करने, डेड और उनके जो डेड लोगों के क्लोथ पहनने हैं, ऑर्नामेंट सिर्फ लोहे के पहनने हैं और गांव वगैरह में शहर में रात को नहीं आ सकते। ओके, दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज दोज हु हैड नो रिलेशन, उनको उनकी बॉडी डिस्पोज करनी है जिनका कोई रिलेटिव नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए इनके लिए अलग सी कैटेगरी बना दी जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि बुद्धिस्ट मोंग होते हैं चाइनीज बेसिकली फाजियान, ये बात ध्यान रखिएगा, रट लीजिए इनका नाम, 5th century CE में फाजियान आते हैं और अनटचेबल्स के बारे में लिखते हैं और इनका कहना है कि अनटचेबल्स क्लैपिंग करके आते हैं सो दैट लोगों को पहले ही पता लग जाए कि वे अनटचेबल आ रहे हैं। उनके बाद जुआन जेंग आते हैं 7th century CE में, वो बताते हैं कि एग्जीक्यूशनर्स और स्क्वेंजर्स का काम जो था, जो ये लोग थे बेसिकली चंडाला जिनको एग्जीक्यूशनर या स्क्वेंजर्स बोलने लगे, इनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। तो ऐसी ऐसी बातें देखिए इनके द्वारा लिखी जाती है, तो ये बातें इंटरनेशनल लेवल पर बाहर भी गई, बाहर भी पढ़ा हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो यस आप जान लीजिए देखिए क्या सिस्टम था उस टाइम पर। देखिए लेकिन ब्राह्मण्स के द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए थे उसके अंदर चंडालाज का कोई ज्यादा लाइफ के बारे में जिक्र नहीं बताया गया है, तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि क्या चंडालाज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, क्या वो चुपचाप इस चीज को सहन करते रहे, पर डेफिनेटली कुछ हिंट जरूर मिले हैं सोशल रियलिटी जो थी बेसिकली उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्टोरी है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे स्टोरी को बेसिकली, हम डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है जो बियॉन्ड बर्थ एंड की भी बर्थ के बाद रिसोर्सेज स्टेटस सबकी हम बात करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन आपने चैप्टर 2 में कंप्लीट कर लिए हैं, स्लेव्स के हंटर्स सबके हमें पता है, सबका अपना अपना एक सोशल काम था, इनकी सोशल पोजीशन थी, लेकिन उनकी जो सोशल पोजीशन थी वो शेप की गई थी एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से डिपेंड करता था इनका सोशल ऑर्डर। आगे देखिए जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जैसे पहला एपिसोड अगर हम देखें महाभारत का जो राइवलरी चल रही थी कौरवाज की और पांडवाज की, दुर्योधन इन्वाइट करता है युधिष्ठिर को, चलिए हम डाइस खेलते हैं, और आपको पता है बाद में क्या हुआ, सब कुछ खो देते हैं युधिष्ठिर जी एंड फाइनली खुद को भी और द्रौपदी को भी। बेसिकली क्या होता है, इश्यू ऑफ ओनरशिप यहाँ पर दिखता है, ठीक है, हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, देखिए महाभारत से आप सीख सकते हैं, यहाँ पर ओनरशिप पता चलती है कि भाई सब कुछ जिसका ओनर था युधिष्ठिर था उस टाइम पर। अगर हम यहाँ पर देखें धर्मशास्त्र की बात करें, इसमें भी यही बातें लिखी गई है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के हिसाब से, मनुस्मृति जो बहुत ही पुराना टेक्स्ट है उसके हिसाब से, कि पैटर्नल जो पिता की संपत्ति है पैटर्नल इस्टेट उसको बराबर बांटा जाएगा बच्चों में पेरेंट्स की डेथ के बाद, लेकिन विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, जो एल्डेस्ट सन होगा उसके लिए क्या होगा स्पेशल शेयर रखा होगा अलग से, वीमेन शेयर क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन आज के टाइम पे चीजें बदल रही हैं, आज के टाइम पे बिल्कुल इक्वल शेयरिंग भी देखने को मिलता है, वीमेन का भी शेयरिंग होता है। लेकिन वीमेन उस गिफ्ट को रख सकती थी जो उनको मैरिज के टाइम पे मिलता है, जैसे स्त्री धन बोलते हैं वीमेन्स वेल्थ होती है, जैसे उनके जेवर वगैरह या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसको रख सकती थी, दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, वो वीमेन अपने बच्चों को दे सकती थी उस चीज को कि भाई ये लीजिए आप, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, कुछ भी है। एट द सेम टाइम मनुस्मृति वॉर्न भी करती है वीमेन को कि भाई फैमिली प्रॉपर्टी को आप नहीं रख सकते,
उनके वैल्यूएबल से वो हस्बैंड की परमिशन के बिना नहीं रख सकते। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हमें ठीक नहीं लग रही, बिकॉज आज का टाइम जो है चेंज हो चुका है काफ़ी, और कुछ चीज़ें आज के टाइम के जो वो ठीक नहीं है, पुराने टाइम के हिसाब से ठीक लग रही है। तो इट हैपन्स, हिस्ट्री में ऐसा चलता रहता है। जैसे हम वेल्दी वुमेन की बात करते हैं, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वीमेन को अलाउड नहीं है रखना प्रॉपर्टी, लेकिन हम वेल्दी वीमेन भी देखते हैं, जैसे वटकटास की जो क्वीन थी प्रभावती गुप्ता, गुप्ता एम्पायर की, जो पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया, वो अपर क्लास से बिलोंग करती थी और उसके पास जमीन, कैटल, मनी सब कुछ उसके कंट्रोल में था। इन अदर वर्ड्स सोशल डिफरेंस जो था वो धीरे धीरे क्या है शार्प हो रहा था, बिकॉज रिसोर्सिस जो थे वो उनके ऊपर किसका एक्सेस हो इसके हिसाब से मैन और वीमेन के बीच में जो डिफरेंस था वो शार्प हो रहा था, बढ़ रहा था। वर्ण, वर्णा के हिसाब से देखते हैं कि वर्ण के हिसाब से प्रॉपर्टी पे किसका हक था किसका नहीं। देखिए ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है अगर हम उनकी बात करते हैं, अनदर क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया बनता है जेंडर के अलावा, दैट इज अ वर्ण। वर्ण आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से शूद्रास बिल्कुल नीचे सर्विस में डाल दिए जाते हैं और ऊपर के तीन वर्ण्स के लिए काम करते हैं। सो इफ दीज प्रोविजन वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, अगर ये एक्चुअल में थे, द वेल्थीस्ट मैन वुड हैव बीन, तो डेफिनेट सी बात है सबसे वेल्थीस्ट मैन ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे। ओके तो ये दिखता भी हमें जब हम टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें दिखता है राजा को वेल्दी दिखाया जाता है, प्रीस्ट है वो रिच दिखता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कभी कभी पुअर ब्राह्मण का भी डिपिक्शन देखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है। सो देखिए कुछ बातें सच हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम शायद कैच नहीं कर पाए, उनको धीरे धीरे हम जानेंगे एक एक बात के बारे में। एक अदर लेवल था ब्राह्मण्स का जो व्यू पॉइंट था, जिन्होंने कोडिफाई किया धर्मशास्त्र को, वो क्रिटिक थे वर्ण सिस्टम के। कैसे भाई, कुछ ये मान लीजिए इनमें से बेस्ट नोन डेवलप हुए बुद्धिज्म के टाइम पे, बुद्धिज्म यानी 6th सेंचुरी BCE के बाद, चैप्टर 4 में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये डिफरेंस है सोसाइटी में, ये जो गैप है ये गलत है, बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। उन्होंने ये भी कहा और इनको ये भी कहा कि नेचुरल नहीं है, ये खुद से बनाए गए हैं, इसीलिए देखिए बुद्धिज्म आया, तभी बुद्धिज्म अपनाने लगे काफी लोग, बिकॉज कुछ लोग जो थे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको एक अलग से एक ग्रुप चाहिए, तो बुद्धिज्म उनके लिए होता, जैनिज्म था उनके लिए, और डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर रहे थे कि बर्थ के हिसाब से किसी को क्लेम करना गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए 6th सेंचुरी BCE के बाद ये चीजें होती हैं, जब बुद्धिज्म आता है उसके बाद चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्दी शूद्रास की भी कहानी है यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो देखिए हर चीज पॉसिबल थी, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल रहा है आपको, कुछ फैक्ट्स हैं वो भी एग्जांपल्स के साथ दिखाए गए हैं। एक अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो दिखाते हैं, यानी शेयरिंग वेल्थ की बात करते हैं। सो फार अभी तक हमने देखा कि सिचुएशन जो थी, या तो पीपल क्लेम करते थे वेल्थ को, या उनको असाइन होता था पहले से कि भी आपका ये वेल्थ है, आपके पिताजी के थ्रू ये आपको मिल रहा है। बट कुछ अदर पॉसिबिलिटीज भी थी, जैसे सिचुएशन थी जहाँ पर मैन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड, वही कुछ बहुत अच्छे आदमी होते थे जिनको रिस्पेक्ट मिलती थी। ओके और कई बार क्या होते थे, लोग अपने लिए वेल्थ कलेक्ट करके रखते थे। वन एरिया वेयर देयर वैल्यूज वर चेरिश्ड वाज एंशिएंट तमिलकम। तमिलकम आपको पता है, तमिलकम की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चोला चेरा पांड्यास का राज था, ठीक है, 2nd सेंचुरी BCE की हम ये बात करेंगे, साउथ के राज अशोका के टाइम पे राज था साउथ में। तो चीफ किंगडम जो आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, इससे पहले बहुत छोटे छोटे चीफ किंगडम्स थे। चीफ्स वर पैटर्न ऑफ बार्ड्स एंड पोएट्स हु सैंग देयर प्रेज, ठीक है। पोएम्स इंक्लूडिंग तमिल संगम में पोएम्स लिखी गई हैं, जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, गाई गई हैं, ये तमिल संगम में देखने को मिलती है। ये बताते हैं रिलेशनशिप, ये बताते थे कि देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में भेदभाव था, कुछ कंट्रोल करते थे, उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि शायद ये शेयर भी करें अपने रिसोर्स को। तो इस प्रकार की बातें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इस चैप्टर का, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। देखिए हम सोशल डिफरेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिस्ट लोग अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सोशल इनइक्वालिटीज का, और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं सो दैट सोशल कन्फ्लिक्ट को रोक सके। एक मिथ मिला है टेक्स्ट में, जैसे सुतपिटा का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर बताया गया कि ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव ए फुली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स, नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट फुली डेवलप्ड। देखिए सुतपिटा का में बताया गया कि भाई आदमी का शरीर पूरी तरह डेवलप नहीं था, प्लांट्स भी पूरी तरह डेवलप नहीं थे, ऑल बींग्स लिव्ड इन आइडियल स्टेट ऑफ पीस, वो शांति से रहते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है।
नेचर से वो अपना खाना वगैरह लेते थे, कोई उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था। हाउएवर देयर वाज अ ग्रेजुअल डेटरेशन ऑफ दिस स्टेट, बिकॉज इनका मानना है कि ये जो स्टेट थी इंसान की, जो पीस की, शांति की, टूट जाती है बिकॉज लोगों की ग्रीड बढ़ जाती है, ठीक है, वो ग्रीडी हो जाते हैं, इस वजह से स्टेट टूट जाती है। दिस लेट देम टू वंडर, इसलिए सोचने को मजबूर होते हैं कि व्हाट इफ व्हाट टू सिलेक्ट अ सर्टेन बीइंग हु शुड बी ब्रेथफुल व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट, व्हाट शुड सेंसर दैट व्हिच शुड राइटली बी सेंसर्ड एंड शुड बैनिश हिम हु डिजर्व्स टू बी बैनिश्ड, वी विल गिव हिम रिटर्न अ प्रोपोर्शन ऑफ द राइट्स चूजन बाय होल पीपल, ही विल बी नोन एज महासमानता द ग्रेट इलेक्ट। तो देखिए ये अपना महासमानता इलेक्ट करते हैं जो इनका लीडर होता है। दिस सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है जो किनशिप का, जो ये अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ये सब कुछ ह्यूमन चॉइस, अपनी खुद की चॉइस पर ही डिपेंड करता था। विद टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, टैक्स एक तरीके की पेमेंट थी इस चीज़ के लिए। एट द सेम टाइम ये बताता है ह्यूमन एजेंसी जो क्रिएट कर रही थी रिलेशन इकोनॉमिकली भी, सामाजिक तौर पर भी। फॉर इंस्टेंस अगर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल थे इस क्रिएशन के लिए तो फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी बातें सामने आई, सिंपल सी बात है, बिल्कुल जायज सी बात है। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं। अभी देखिए जो हमने ये टेक्स्ट पढ़े हैं इनको हैंडल कैसे किया जाता है, हिस्टोरियंस महाभारत के साथ ये जो लिंक है कैसे जोड़ा जाए देखते हैं। देखिए टेक्स्ट को सबसे पहले देखा जाता है कि वो प्राकृत में है, पाली में है, तमिल में है, या किसी भी लैंग्वेज में है, बेसिकली संस्कृत में है, किसी भी लैंग्वेज में उसको देखा जाता है। बिकॉज संस्कृत तो प्रिस्ट और एलिट्स की लैंग्वेज मानी जाती थी, बाकी सभी ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ओके, वेयर दीज मंत्रास लर्नड एंड चेंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रेड और हर्ड and then retold if they found them interesting. Besides, they tried to find out about the author whose perspectives and ideas shaped the text. देखिए ये चीज़ को देखते ही थे कि भी कौन लिखता था, क्या था, लेकिन author के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे because उसका perspective ये देखते थे कि वो कैसे इस चीज़ को फैला रहा था। ओके, वो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी था, audience को कैसे वो पहुँचा रहा था अपने idea को, एंड डेट, और वहाँ से हमें प्लेस भी पता चलता था और कंटेम्प्रेरी लोगों के बारे में बुक से पता चलता है, जैसे महाभारत की अगर हम बात कर लें। आगे देखते हैं लैंग्वेज एंड कंटेंट। अगर हम लैंग्वेज देखें, महाभारत जो है वो संस्कृत में मानी गई है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। हाउएवर संस्कृत यूज इन महाभारत इज फार सिंपल, वो बहुत ही सिंपल है एज यूज इन वेदास, वेदों में जो संस्कृत यूज की गई है वो बहुत ही कठिन है एज कम्पेयर टू महाभारत। देखिए या फिर प्रशस्ति आपको पता है राजा की तारीख में जो बातें लिखी गई थी, चैप्टर दो में आपने पढ़ा है। आगे देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए वेदास जो है वो बेसिकली काफी पुराने हैं, ठीक है, काफी टाइम पहले लिखे गए थे। ये लगभग महाभारत के थोड़ा सा पहले लिखे गए थे, 1000 BCE में ही लिखे गए थे, 1500 to 1000 BCE। ओके, और अगर हम प्रशस्तिज की बात करते हैं तो प्रशस्तिज भी इसी टाइम पर 1000 BCE के टाइम पे तारीफ के तौर पर लिखे जाने लगी थी, ये राजा की तारीफ के लिए लिखते थे, आपने इस चीज को पढ़ा है, अच्छे से देखा है। आगे देखते हैं, हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई करते हैं टेक्स्ट को दो कैटेगरीज में। पहला सेक्शन दैट कंटेन स्टोरी, एक सेक्शन होता है जिसमें कहानी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नरेटिव, मीन्स नरेट किया उस कहानी को। और दूसरा होता है सेक्शन जो प्रिस्क्रिप्शन बताता है उस टाइम के सोशल तरीकों के बारे में, कि भी कैसे उस टाइम पर डायडेक्टिक थे, जिसको देखिए एक होता है नरेटिव जिसके अंदर कहानी होती है पूरी उसकी, और एक होता है डाइडेक्टिक। अब डाइडेक्टिक के अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन की भी, देखिए ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए, ये कहानी नहीं होती है, एक तरीका होता है उस टाइम के सोशल ऑर्डर को पहचानने का, उस टाइम के चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो डाइडेक्टिक दो तरीके से बांटते हैं हिस्टोरियंस हर टेक्स्ट को, एक होता है नरेटिव, एक डाइडेक्टिक। तो महाभारत का मानना है कि ये ड्रामेटिक कहानी है, मूविंग स्टोरी है, लगातार चल रही है स्टोरी, और डायडेक्टिक पोर्शंस भी हैं इसके अंदर बाद में ऐड किए गए, लेकिन पहले स्टोरी थी लेकिन डायडेक्टिक यानी इन्फॉर्मेशन का जो जानकारी का पार्ट है वो बाद में ऐड किया गया, इनका ये मानना है हिस्टोरियंस का। देखिए इंटरेस्टिंगली देखिए टेक्स्ट को डिस्क्राइब किया गया इतिहास, अगर हम महाभारत की बात करें इसको पुराने संस्कृत ट्रेडिशन में इतिहास बोला गया था, द लिटरली मीनिंग इसका मतलब दस इट वॉज, मतलब ऐसा था, which is why it is generally translated as history, इसलिए इसको हिस्ट्री के तौर पर ट्रांसलेट किया गया। Was there a real war? क्या सच में ऐसी लड़ाई हुई थी महाभारत के तौर पर जिसको एपिक के तौर पर हम पढ़ रहे हैं आज तक, लेकिन हम श्योर नहीं इस बारे में, ठीक है। सम हिस्टोरियंस सोचते हैं कि मेमोरी ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंग किंगफोक वाज प्रिजर्वड इन द नरेटिव, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसी लड़ाई शायद नहीं हुई, उनका मानना है कि किंगफोक्स के बीच में जो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट था
उसको एक नरेटिव के तौर पर ये यहाँ पर लिखा गया है, सो दैट सभी लोग इसको चाव से पढ़े, ठीक है, क्योंकि बैटल के कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं उनको, ऐसा कुछ बात आया है। ऑथर और डेट्स के बारे में बात करते हैं कि ऑथर कौन था, डेट कौन था, इसको कैसे पहचानते कि किसने लिखा, बहुत क्वेश्चन होते हैं उस टाइम पर। देखिए, ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज बाय चैरियटर बार्ड्स नोन एज सुतास, हु जनरली एकम्पनाइड क्षत्रियाज। देखिए, स्टार्टिंग में मानते कि महाभारत टाइप की जो स्टोरी है वो सुतास, जो क्षत्रियाज के रथ धारक थे बेसिकली, जो उनका रथ चलाते थे, वो लिखते थे स्टोरी को, ठीक है, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कुछ लिखते थे, पोएम्स लिखते थे उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए। लेकिन 5th century BC तक क्या होता है, ब्राह्मण इस काम को अपने अंडर ले लेते हैं एंड राइटिंग में स्टार्ट हो जाते हैं। दिस वॉज द टाइम व्हेन चीफडम, इस टाइम पर टाइम था कि कुरुज, आपको पता है इस टाइम पर कुरुज थे, ठीक है, 16 माजना पदाज में और पांचाल भी थे, और एपिक में भी यही कहानी घूम रही इन दोनों किंगडम्स की ही। सो देखिए, डिड द न्यू किंग्स वांट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड मोर सिस्टमैटिकली, तो क्या ये जो नए राजा लोग आए थे ये अपने पुराने इतिहास को, कि भी हमारा कुरु देश था, हमारा पांचाल देश था, हमारे इतिहास को थोड़ा और सिस्टमैटिकली हम बनाएं, तो क्या दोबारा से महाभारत लिखी गई थी, ठीक है, क्या ऐसा सच में युद्ध हुआ था, काफी क्वेश्चन है यहाँ पर। लेकिन एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी बताया जा रहा है, दैट द अपीवल दैट ओपन अकम्पनाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्टेट वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वर ओपन रिप्लेस बाय न्यू नॉर्म्स आर रिफ्लेक्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन अगर हम इस स्टोरी को ध्यान से देखें तो वहां पर हमें दिख रहा है कि पुराने कुछ ओल्ड सोशल बातें हैं उसको काट कर नई फॉर्म आती है, नई सोसाइटल ऑर्डर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ बातें सच मानी जा रही है महाभारत की, कुछ ऐसा है कि मिथिकल स्टोरी माइट भी हो, हिस्टोरियंस बिकॉज अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फेज आता है राइटिंग के बीच में 200 BC से लेकर 200 CE का, दिस वॉज द पीरियड, ये एक पीरियड था जहाँ पर विष्णु जी की पूजा स्टार्ट होती है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, और विष्णु जी के एक अवतार कृष्णा जी की इंपॉर्टेंस ज्यादा स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पर। सब्सिक्वेंटली इसी टाइम पर देखिए 200 से लेके 400 CE यानी इसके बाद, लार्ज डाइडेक्टिक सेक्शन रिसेम्बलिंग द मन्य स्मृति वर एडिट विद दिस एडिशन, अ टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स 1000 verses नाउ बिकेम वन ऑफ द लैक वर्सेज, दिस एनॉर्मस एट्रिब्यूटेड टू द सेज व्यास। तो ऐसा माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत लिखी। देखिए, पहले इतिहास बोला जाता था, लेकिन जब विष्णु जी की कृष्ण जी की पूजा होने लगी तो उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि मन्नु स्मृति की बातें ऐड कर दी गई इतिहास महाभारत के अंदर, और जो इसके अंदर 10,000 verses थे अब वो लगभग 100,000 verses हो गए थे, और इस बड़ी ग्रंथ को हम बोलने लगे महाभारत जो लिखी गई है व्यास के द्वारा। यानी माइट भी विष्णु जी की पूजा को देखकर उन्होंने विष्णु जी की बात ऐड कर दी, और महाभारत में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है। देखिए, अभी हम सर्च करते हैं कन्वर्जेंस के लिए। महाभारत जो एक बहुत मेजर एपिक माना जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है बैटल्स का, पैलेसेस का, सेटलमेंट्स का, काफी बातें हमें महाभारत में देखने को मिलती हैं। तो 1951 से लेके 52 तक क्या होता है, जो ये 47-45 years लगे, उस टाइम आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बीबी लाल, वो एक्सकवेट करते हैं हस्तिनापुर के एरिया, एक गाँव को मेरठ उत्तर प्रदेश में। इनका मानना है कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जो एपिक में बताया गया है। वाइल द सिमिलरिटीज इन द नेम, देखिए नाम तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन लोकेशन ऑफ द साइट इन अपर गंगा दोहा वेयर कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड, लेकिन यहाँ पर कुरु किंगडम भी सिचुएटेड था, सजेस्ट करता है कि ये कुरुज की कैपिटल थी, हस्तिनापुर ही था पुराने वाला। बट लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 occupation levels, उस टाइम पर 5 type के ऑक्यूपेशन थे। इनका मानना है कि सेकेंड और थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट, वही इन 5 में से सेकेंड और थर्ड जो ऑक्यूपेशन था वो हमारे लिए इंटरेस्ट का है। जो बीबी लाल जी ने नोट किया कि हाउसेस जो सेकंड फेज के थे, यानी 12 से लेके 7th century BC की हम बात करते हैं, यानी महाभारत के पहले के, विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकवेटिंग करने के बाद उनको पता चला कि कोई डेफिनेट प्लान नहीं था घर बनाने का, वॉल्स थी, ठीक है, उनको डली बनाया गया था, बहुत प्रॉपर वे में नहीं बनाया गया, मड प्लास्टर है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं।
लेकिन जो सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज आता है यानी 6th सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी तक, ओके 6th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी तक, यहाँ पर क्या होता है मड ब्रिक्स को यूज करते हैं, बंट ब्रिक्स के साथ यूज करते हैं, प्लस सोक्ड जार्स मिलते हैं, ब्रिक ड्रेन्स मिलते हैं, ड्रेन्स यानी अब थोड़ा सा सिस्टम प्रॉपर हो रहा था, एक अर्बन शहर टाइप से सिस्टम आ रहा था। वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी इन एपिक एडिट टू द मेन नरेटिव हैज बीन कंपोज्ड। तो अब जैसे बीबी लाल जी ने जो ये डिस्क्रिप्शन बताया कि देखिए ड्रेन सिस्टम था, तो क्या ये हमारी जो नरेटिव है जो कहानियों से मैच करता है? देखिए हम देख सकते हैं महाभारत में आई थिंक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है बिल्कुल भी, तो बट यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मिला है, यहाँ पर अर्बन शहर था, लेकिन ध्यान से देखें क्या ये पोएटिक फैंटेसी है जस्ट, ठीक है तो हम इसको एविडेंस के साथ मैच करते हैं। हम एक इंस्टेंस और मानते हैं, देखिए एपिसोड से जो महाभारत में द्रौपदी की मैरिज की बात करते हैं पांडवास के साथ, एक इंस्टेंस आता है पोलियंड्री का, यहाँ पर पोलियंड्री दिखती है कि भाई एक वाइफ के मीन्स एक वीमेन वुमन के 4-5 पति, ठीक है। तो देखिए इस चीज को अगर हम देखें तो ऑथर अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहता था, आपको पता है इस चीज का कैसे एक्सप्लेन कर रहा था इसको हम देखेंगे। देखिए प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि ऑथर डिस्क्राइब करना चाहता था पोलियंड्री को उस टाइम पर, ओके कि भी पोलियंड्री उस टाइम पर आमतौर की बात थी कि भी एक वीमेन के काफी पति हो, इस प्रकार की बातें थी, वो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए माइट भी उसने स्टोरी में इस चीज को ऐड किया हो पोलिटिकली, और ये सजेस्ट होता है कि पोलियंड्री धीरे धीरे गिर जाती है, ओके बिकॉज ब्राह्मण्स इसको फेवर नहीं करते और अपना नया एक तरीका लेकर आते हैं ब्राह्मण्स। सम हिस्टोरियंस नोट करते हैं कि व्हाइल द प्रैक्टिस ऑफ पोलियंड्री मे हैव सीम्ड अनयूजुअल और इवन अनडिजायरेबल फ्रॉम ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट वॉज प्रेवलेंट इन हिमालयन रीजन्स। बेशक ही ब्राह्मण्स इसको अनडिजायरेबल मानते हैं पोलियंड्री को, लेकिन हिमालयन रीजन्स में प्रेवलेंट थी, ठीक है, वॉरफेयर के टाइम पर और वेरियस अदर क्राइसिस पर। तो सजेस्ट होता है यहाँ पर कि महाभारत ये जो बोल रहे हैं कि व्हाई देन डिड ऑथर चूज टू एसोसिएट दिस प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत, कि भी पोलियंड्री चलो थी लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर है महाभारत का द्रौपदी सेंट्रल कैरेक्टर है उसके साथ ही इसने अटैच क्यों किया महाभारत पोलियंड्री को ऑथर ने, ये बताने के लिए कि भी क्रिएटिव लिटरेचर ओपन हैज इट्स ओन नरेटिव रिक्वायरमेंट, बिकॉज लिटरेचर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक तरीका होता है, तो माइट भी पोलियंड्री दिखाने के लिए ऑथर ने महाभारत जो लिखी होगी बनाई होगी तो उसके अंदर ऐड की होंगी चीजें अलग अलग, ठीक है, सोसाइटी की प्लस कुछ मिथिकल चीजें प्लस कुछ जैसे किसी भगवान की पूजा होने लगी तो उनकी भी बात ऐड की, तो मिलके एक लिटरेचर बना दिया। द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन, सिर्फ संस्कृत वर्जन पे महाभारत का ये जो ग्रोथ है रुकता नहीं है, सेंचुरीज तक इसके वर्सेस रिटर्न किए जाते हैं बार बार, डायलॉग्स को दोबारा लिखा जाता है वेरियस कम्युनिटीज के बारे में, और आपको पता है जब बार बार राइटिंग की जाती है तो मिस्टेक्स होना जायज सी बात है, ठीक है, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं होगी। एंड एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड, भाई जो सेंट्रल स्टोरी थी उसको बार बार अलग अलग तरीकों से सुनाया जाता था, इस तरीके से कुछ को स्कल्पचर पेंटिंग्स पर भी बनाया गया बाद में, सो दैट महाभारत जुड़ी रहे सभी लोगों से। तो यहाँ पर हमें नाटक भी किए जाते हैं, डांस भी किया जाता है, इनके ऊपर नरेटिव कहानियां भी सुनाई जाती हैं महाभारत की। तो देखिए महाभारत जो लिटरेचर बना धीरे धीरे वेरियस चीजों को ऐड करके, तो अभी भी क्वेश्चन है कि क्या ये सच में हुआ था या नहीं हुआ, या फिर सिर्फ ऑथर ने उस टाइम की सोशल प्रैक्टिस दिखाने के लिए कहानी बनाई। तो दिस वॉज एक हम एग्जाम्पल देखते हैं महाभारत का, देखिए दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय महेश्वेता देवी ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, बंगाली राइटर थी वो, कि भाई उस टाइम पर जो एक्सप्लोटेशन ऑपरेशन चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। देखिए इसके अंदर क्या होता है, वो अल्टरनेट पॉसिबिलिटी निकालती है मेन स्टोरी से, महाभारत की मेन स्टोरी से, और अटेंशन लाती है क्वेश्चन पे, ठीक है, जहां पर संस्कृत टेक्स्ट से नहीं पता लगता हमें, जहां पर संस्कृत टेक्स्ट साइलेंट है बिल्कुल, उस पर एक क्वेश्चन लेकर आती है, ठीक है, ये बंगाली राइटर बाद में क्या होता है वो क्वेश्चन देखिए, तो संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है दुर्योधन प्लॉट करने के लिए भी पांडवास को इन्वाइट करेंगे हम एक हाउस ऑफ लाक में और वहां पर आग लगा देंगे और वो मर जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन फोर वर्ल्ड पांडवास एक टनल बना लेते हैं और वहां से एस्केप कर देते हैं, ठीक है, ये एक इंसिडेंट आपको पता होगा। देन कुंती अरेंज करती है खाने के लिए, चलिए खाना हम खाएंगे, वहां पर ब्राह्मण्स को बुलाया जाता है, निषद वीमेन आती है वहां पर अपने 5 बेटों के साथ। व्हेन दे वर सेटिएटेड विद ड्रिंक एंड फेल ऑफ टू स्लीप द पांडवास एस्केप सेटिंग फायर टू द हाउस, जब वो खाना पीना वगैरह करके वो 5 बेटों के साथ आती है तो पांडवास आग लगा देते घर में और उस निषाद के 5 बेटे भी जल जाते हैं, तो कौरवास को लगता है कि वो 5 पांडव ही मर गए। देखिए बॉडी मिलने के बाद सोचते हैं लोग पांडवास डेथ हो गए, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो बात है कि महाभारत का जो नरेटिव ये खत्म होता है यहाँ पर,
She sets the story in forest where Kunti retires after the war. Kunti now has time to reflect on her past and often confess to what she regarded her failings, talking with the earth, the symbol of nature. Kunti बाद में अर्थ के साथ बात करती है कि भी मैंने गलत किया इस प्रकार से. Every day जब वो निषाद को देखती है वुड कलेक्ट करने के लिए, कुछ भी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो निषाद उसके बारे में सुनती है, कुंती से सुनती है कि भाई ये क्यों पछता रही है अपने करने पर. One day there was something in the air, हवा में कुछ होता है कि animals were fleeing in the forest. Kunti noticed that Nishadi was watching her. कि Nishadi उसको watch कर रही है and was startled when she spoke to her and asked if she remembered the house of lake. Yes, Kunti said, she did. Did she remember? Certainly, Adeline, Nishadi and her five young sons. वो कहती है कि आप उन पांच बेटों को भी जानती हो? वो कहती है बिल्कुल. And that she had served them wine वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिलाया. That Nishadi not you, Kunti exclaimed. तो कुंती कहती है कि भाई वो निषादी क्या आप ही हो? तो निषादी रिप्लाई करती है द वीमेन हु वाज किल्ड, वो उसकी मदर इन लॉ थी. तो शी एडिट दैट व्हाइल कुंती हैड बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर पास्ट, नॉट वंस डिड शी रिमेंबर द सिक्स इनोसेंट लाइफ दैट वर लॉस्ट बिकॉज शी हैड वांटेड टू सेव हरसेल्फ एंड हर सन्स. एज दे स्पोक द फ्लेम्स ड्रू नियरर, द निषादी एस्केप्ड टू सेफ्टी बट कुंती रिमेन्ड वेयर शी वाज. सो देखिए ये कहानी हमने पढ़ी है, हमने देखा है कि पांडवास लाक के हाउस में जो जाते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो हमारे लेटेस्ट राइटर्स है, हिस्टोरियंस, वो कहते हैं कि भाई माइट बी ये स्टोरी थोड़ा सा रॉन्ग टर्न ले रही हो, बिकॉज निषादी जो है वो बिल्कुल भी ये मान लीजिए बदला नहीं लेने की सोचती कुंती से, या फिर कुछ भी इस प्रकार की बात है. तो होता है ऐसा, हम लिटरेचर जब लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो विपरीत बातें आएंगी. तो देखिए हमारा टाइम लाइन है, हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है आज. दिस इज आवर थीम 3 बेसिकली, क्लास 12 पार्ट 1 एंशेंट हिस्ट्री हम ये पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमें एक क्वेश्चन अभी तक है हमारे माइंड में कि क्या महाभारत अभी भी एक सच कहानी है या फिर उसको जस्ट लिखा गया था. सो देखिए ये आप एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, इसको पढ़िए अच्छे से, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ठीक है. ऐसे ही हम डेली न्यू वीडियोज हम क्लास 11th 12th और वेरियस अदर क्लासेस की वीडियोज करते हैं. ओके, थैंक यू.